नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्री एक्सप्रेस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन तथा इरिगेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे एग्जाम असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, गेट, ICAR, JRF, SRF और नेट एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, अ कैनाल अलाइन एट राइट एंगल टू द कंटूर इज, ऑप्शन ए है कंटूर कैनाल, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, ऑप्शन सी है वाटरसेट कैनाल, ऑप्शन डी है साइड स्लोप कैनाल। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइड स्लोप कैनाल। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म फ्लो, ऑप्शन बी है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ऑप्शन सी है स्टडी फ्लो, ऑप्शन डी है अनस्टडी फ्लो। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टडी फ्लो। अगला क्वेश्चन है, द ड्रेनेज डेंसिटी ऑफ एनी कैचमेंट और वाटर शेड वेरीज इनवर्सली विद द, ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ द बेसिन, ऑप्शन बी है एरिया ऑफ द बेसिन, ऑप्शन सी है विड्थ ऑफ द बेसिन, ऑप्शन डी है एवरेज डेप्थ ऑफ द बेसिन। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरिया ऑफ द बेसिन। अगला क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ अ चैनल विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है हाइड्रोलिक रेडियस, ऑप्शन बी है वेटेड पेरीमीटर, ऑप्शन सी है वेटेड एरिया, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेटेड पेरीमीटर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लास द एरिया डिमार्क्ड विथ ग्रीन कलर रिप्रेजेंट, ऑप्शन ए है क्लास वन, ऑप्शन बी है क्लास टू, ऑप्शन सी है क्लास थ्री, ऑप्शन डी है क्लास फोर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लास वन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ जियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वाटर शेड, ऑप्शन ए है फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्शन रेशियो, ऑप्शन सी है सर्कुलेटरी रेशियो, ऑप्शन डी है टोटल एरिया ऑफ वाटर शेड। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोटल एरिया ऑफ वाटर शेड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फार्म पॉन्ड्स शुड बी सेलेक्टेड वेयर ग्राउंड वाटर टेबल राइज इन विद इन अ फ्यू मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, ऑप्शन ए है डगआउट टाइप, ऑप्शन बी है एम्बैंकमेंट टाइप, ऑप्शन सी है पॉलीथीन लाइन डगआउट टाइप, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डगआउट टाइप। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल मीजर्स यूज टू कंट्रोल इरोजन इन अ वाटर शेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल मीजर, ऑप्शन ए है बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन बी है फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन सी है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन डी है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, डेलिनेशन ऑफ वाटर शेड इज एन एक्सरसाइज ऑफ, ऑप्शन ए है लैंड यूज वाइज डेलिनेशन, ऑप्शन बी है एरिया वाइज डेलिनेशन, ऑप्शन सी है टोपोग्राफिकली ड्रेनेज स्ट्रीम वाइज डेलिनेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट, ऑप्शन ए है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर डैम्स, ऑप्शन सी है ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ लैंड वाटर रिसोर्सेज, ऑप्शन डी है सोशियो इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर डैम्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू डिज़ाइन ड्रेन स्पेसिंग अंडर अनस्टेडी स्टेट कंडीशन, ऑप्शन ए है अर्नेस्ट इक्वेशन, ऑप्शन बी है हुगआउट इक्वेशन, ऑप्शन सी है ग्लोबल डम इक्वेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोबल डम, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ऑप्शन ए है अफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी है रॉक फ्रैक्चरिंग, ऑप्शन सी है
बोर ब्लास्ट टेक्निक, ऑप्शन डी ए कंस्ट्रक्शन ऑफ जैकेट अराउंड द बेल्ट। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफॉरेस्टेशन। अगला क्वेश्चन है थ्रेशहोल्ड रेनफॉल इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए है टोटल डेली रेनफॉल, ऑप्शन बी है क्यूमुलेटिव रेनफॉल ऑफ स्ट्रॉम, ऑप्शन सी है क्यूमुलेटिव रेनफॉल बिफोर इनिशिएशन ऑफ रन ऑफ, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव रेनफॉल बिफोर इनिशिएशन ऑफ रन ऑफ। अगला क्वेश्चन है द फ्लो इज सेट टू बी सुपर क्रिटिकल इफ, ऑप्शन ए है फ्रॉड नंबर लेस देन वन, ऑप्शन बी है फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन वन, ऑप्शन सी है फ्रॉड नंबर इक्वल टू वन, ऑप्शन डी है फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन वन। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ स्ट्रीम्स स्ट्रीम बैंक इरोजन जनरली टेक्स प्लेस ऑन विच साइड ऑफ स्ट्रीम, ऑप्शन ए है कॉनकेव, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी है डाउन स्ट्रीम, ऑप्शन डी है टॉप। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉनकेव। अगला क्वेश्चन है सॉयल इरोजन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉयल फ्रॉम लैंड सरफेस इज टर्म्ड एज, ऑप्शन ए है स्प्लैश इरोजन, ऑप्शन बी है सेट इरोजन, ऑप्शन सी है रिल इरोजन, ऑप्शन डी है गली इरोजन। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीट इरोजन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए है ड्रॉप स्पिलवे, ऑप्शन बी है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, ऑप्शन सी है सूट स्पिलवे, ऑप्शन डी है ब्रशवुड डैम। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रशवुड डैम। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वर्टिकल इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर बॉन्ड्स इफ द लैंड स्लोप इज 3%, ऑप्शन ए है 0.9 मीटर, ऑप्शन बी है 0.3 मीटर, ऑप्शन सी है 3 मीटर, ऑप्शन डी है 4 मीटर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.9 मीटर। अगला क्वेश्चन है साल्टेशन सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑप्शन ए है रिल इरोजन, ऑप्शन बी है रिल इरोजन, ऑप्शन सी है विंड इरोजन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विंड इरोजन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बेंच टेरेस, ऑप्शन ए है लेवल बेंच टेरेस, ऑप्शन बी है आउटवर्डली स्लोपिंग बेंच टेरेस, ऑप्शन सी है इनवर्डली स्लोपिंग बेंच टेरेस, ऑप्शन डी है अलॉन्ग द कंटूर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलॉन्ग द कंटूर। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।